फीस विद साधना वाक्य विद्या पाठ 7 करने वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर में, और पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी इन नई नई वोकैबुलरीज को जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होंगी। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे सामने है दैट इज कोअलिशन। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मीनिंग है अ टेम्पररी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। ये जो कोलिशन वर्ड है गठबंधन, ये ज़्यादातर हमें इलेक्शन के टाइम पे जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज किसी दूसरी पार्टी को हराने के लिए एक साथ आ जाती हैं और उनके वोट्स एक साथ काउंट हो, तो उस दूसरी पार्टी को हराने के लिए ज़्यादा वो वोट्स हो जाए तो कुछ पार्टीज क्या करती हैं कि वो कोलिशन गठबंधन कर लेती हैं, एक अलायंस कर लेती हैं, यूनियन बना लेती हैं, एकजुट हो जाती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं, इसी को हम कोलिशन कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा जब ये पार्टी अलग अलग हो जाएंगी, यानी सेपरेशन आ जाएगा, आइसोलेशन यानी कि एकांत। ये देखिए फोटोज, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और ये एकजुट आ गए हैं, इन्हें एक कोलिशन बनाया है यहाँ पे। नेक्स्ट है असेंचुएट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, मीनिंग है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, किसी चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना, नोटिसेबल बनाना, प्रोमिनेंट बनाना, इम्पॉर्टेंट बनाना। सिनोनिम हो जाएगा किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को एम्फोसाइज करना, किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर देना। एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज का महत्व कम करना, यानी किसी चीज को डिग्रेड करना, बिलिटल करना, किसी इंसान या किसी कार्य या किसी चीज के महत्व को कम कर देना। पिक्चर में ये एसेंचुएट कर रहा है, मतलब हाइलाइटर की मदद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है, एम्फोसाइज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एसेंचुएट। स्पर पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। कैसे? A thing that prompts or encourages someone, an incentive. तो ये हो गया noun. हिंदी में कहते हैं प्रेरणा, और encouragement to someone, यानी किसी को encouragement देना, यानी कोई किसी को inspiration देना, प्रेरणा देना, तो उस केस में ये as a verb act करता है। Synonyms हो जाएंगे इसके encourage, motivate, और यहाँ जब हम किसी को एनकरेज नहीं कर रहे हैं तो एंटोनिम हो जाएगा डिसकरेज, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल। मतलब हम किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, एनकरेज नहीं कर रहे, उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, यानी ऑब्स्टिकल उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब आप दोबारा इस चीज को इंस्पायर करना, इस पर को प्रेरणा देना, इस चीज को पिक्चर के माध्यम से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, स्पर यानी प्रेरणा। सेफोलॉजी, या इट इज सेफोलॉजी, पी यहाँ पर साइलेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, मीनिंग है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग। तो जहाँ जब वोटिंग होती है तो जो लोग आपको बताते हैं कि वोटिंग में कौन सी पार्टी आगे है, कितने वोट से आगे है, किस सिटी में क्या चल रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, इस तरह की चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उसको सेफोलॉजी कहते हैं। और ये आपको देखने को मिलता है जब हमारे यहाँ ये वोटिंग, ठीक है। तो आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए सेफोलॉजी क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे होता है ये सब। कल्पनाइज पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, मीनिंग शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन। सिनोनिम हो जाएगा स्टिमुलेट, एक्साइट, एनर्जाइज, एनकरेज। एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज, डिटर, डिसवेड। तो कल्पनाइज का मतलब होता है, ये पहले तो ये एक वर्ब है, यानी किसी को उत्तेजित करना, किसी को एक्साइट करना, ठीक है, किसी काम को करने के लिए।
किसी को एनर्जी देना, एनर्जाइज करना, एनकरेज। तो अब देखिए ये लड़का काफी उत्तेजित हो रखा है, एक्साइट हो रहा है और इसलिए ये इस तरीके से खुश है, गल्वनाइज हो गया है।